भिलाई के चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में आज मेडिकल स्टूडेंट्स के पालकों और मैनेजमेंट के बीच बैठक हुई। इस दौरान कॉलेज प्रबंधन ने कॉलेज चलाने में खुद को असमर्थ बताया, जिससे करीब 400 स्टूडेंट्स का भविष्य खतरे में पड़ गया। इधर पालकों ने भी आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। पालकों ने कोर्ट जाने और आंदोलन का रास्ता अपनाने की बात कही। पालकों का आरोप है कि चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल हॉस्पिटल में बीते 4 सालों से मेडिकल छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा और अब कॉलेज बंद करने की तैयारी चल रही है। पालकों ने कॉलेज प्रबंधन से मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स की पढ़ाई जारी रखने और फैकल्टी की व्यवस्था करने की मांग की है, लेकिन मैनेजमेंट ने सिर्फ प्रयास करने की बात कही। पीयू और एनुअल एग्जाम है जनवरी फरवरी में, तो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे का ईयर लॉस हो। अपने बच्चों के सपनों को हम मरने नहीं देंगे। हम लोगों ने फीस दे चुका है, मिडिल क्लास फैमिली, चलिए ठीक है बच्चा डॉक्टर बन जाएगा हमारा, ये सोच के हमने किया है ना, और अब ये इस तरह मझधार में छोड़ देंगे तो फिर हमारे बच्चों का भविष्य क्या है। फीस उन्होंने 4 साल के अनुसार एडवांस में ले लिए हैं और अब ये कह रहे हैं कि हम क्लासेस नहीं लगा पाएंगे, हम कॉलेज नहीं चला पाएंगे। 2 महीने से टीचर्स नहीं है, पोस्टिंग नहीं चल रही है, बहुत दिक्कत आ रही है, मैनेजमेंट कोई एक्शन नहीं ले रहा है, वो हर बार एक वीक करके टालता जा रहा है। क्राइसिस में है ये, गवर्नमेंट से भी अप्रोच कर रहे हैं, बाकी जगह भी जा रहे हैं, ये फाइनेंशियल क्राइसिस दूर होगा, क्लासेस चल सकता है, या गवर्नमेंट अपने हिसाब से निर्णय लेगी जो 1 तारीख को लेने वाली है।